तो दोस्तों आज हम बनाएंगे छोला मसाला। बहुत ही शानदार रेसिपी है, एक डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए छोला मसाला बनाते हैं। तो दोस्तों छोला मसाले के लिए हमने यहाँ खड़े मसाले लिए हैं, दो चुटकी पत्थर फूल लिया है, एक साबुत मिर्च ली है, दो इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है, बड़ी इलायची दो ली है, लौंग चार ली है, काली मिर्ची छह ली है, तेज पत्ता एक लिया है। यहाँ मैंने यह सरसों का 125 ml ऑयल लिया है। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैंने 150 ग्राम के करीब ऑनियन प्यूरी ली है। दोस्तों यहाँ इन मसालों में 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर लिया है और 2 चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर लिया है। आप चाहें तो अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1/2 चम्मच हल्दी ली है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 150 ग्राम के करीब ऑनियन लिया है जिसे डाइस्ड शेप में इस तरह से काट लिया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यह हमने लिया है, यह गरम मसाला है, यह करीब 1/2 चम्मच के करीब है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक आलू को बॉईल करके उसको मैश कर लिया है जो कि करीब 120 ग्राम है। यहाँ हमने टमाटो प्यूरी ली है करीब 200 ग्राम। यहाँ देखिए, यह 1.5 चम्मच के करीब गार्लिक पेस्ट है, इससे बहुत शानदार खुशबू आएगी। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये है जिंजर चिली पेस्ट, इसमें 3 साबुत हरी मिर्च ली है और 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लिया है। आप चाहें तो मिर्च की मात्रा अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों ये 500 ग्राम के करीब चने हैं जिन्हें रात भर पानी में भिगोया था और सुबह इन्हें उबाल लिया है। दोस्तों यह रॉक सॉल्ट है, मैं हमेशा रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करता हूँ, पर आप चाहें तो समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा आप अपने स्वाद अनुसार डालें। तो चलिए अब झन्नाटेदार छोला मसाला बनाते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे और जब ऑयल अच्छा गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर खड़े मसाले डालेंगे। देखिए ऑयल अच्छा गर्म हो गया, अब खड़े मसाले डालते हैं। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। जब हमारे ऑनियन हल्के ब्राउन होने लगेंगे तब हम इसके अंदर ऑनियन प्यूरी डालेंगे। ये अब प्यूरी के लिए रेडी है। ऑनियन प्यूरी जब हमारी थोड़ी पक जाएगी तब हम इसके अंदर गार्लिक पेस्ट और जिंजर चिली पेस्ट डालेंगे। देखिए अच्छा पक गया है, अब हम इसमें गार्लिक पेस्ट डालते हैं। ये हम जिंजर चिली पेस्ट डालेंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। अब गरम मसाला डालेंगे इसके अंदर, अच्छा सा इसे थोड़ा पकाएंगे। दोस्तों बहुत ही शानदार खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर टोमेटो प्यूरी डालेंगे और इस टोमेटो प्यूरी के अंदर इन मसालों को खूब अच्छे से पकाएंगे। दोस्तों ये मोमेंट ऑफ द डिश है, इसे बहुत अच्छी तरह से पकाना है इस मसाले को, तभी ये छोले टेस्टी बनेंगे। जब ये मसाला अच्छे से पक जाएगा तब इसके अंदर हम धनिया मिर्ची और हल्दी पाउडर डालेंगे। यहाँ मैं 2 चम्मच नमक डाल रहा हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार इसमें डालें। मसाला अब लगभग पक गया है, अब हम डालेंगे धनिया मिर्ची हल्दी और इस मसाले को अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा पानी मिलाएंगे यहाँ हम। देखिए पानी की मात्रा आपकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करेगी, आप कैसी ग्रेवी पसंद करते हैं, गाढ़ी या पतली। अच्छे से इसे पकाएंगे हम। देखिए मसाला कितना अच्छा पक गया है, ये देखिए ऊपर सारा तेल आ गया है। ये सब तरफ जो ये तेल आ गया है ये एक इंडिकेशन है कि ये हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब हम इसके अंदर मैश किए हुए आलू और छोले मिलाएंगे, क्योंकि आलू ऑलरेडी उबले हुए हैं, छोले भी उबले हुए हैं, तो हमें अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मसाला भी हमारा पक चुका है। तो थोड़ा भूनेंगे इसको थोड़ी देर, अच्छा मसाले के अंदर 5-7 मिनट। पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। देखिए दोस्तों हमारी शानदार छोला मसाला बनके तैयार है, तेल भी ऊपर आ गया है। ये देखिए कितना शानदार कलर आया,
और खुशबू तो इतनी बेहतरीन आ रही है कि पूछो मत। वाला तो दोस्तों, आशा है कि आपको छोला मसाले की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।